तो वन रैंक वन पेंशन की डिमांड चल रही थी, उसको जो अभी नारे लगा रहे हैं उन्होंने केवल 500 करोड़ रख दिए थे, आज 65,000 करोड़ उसके लिए खर्च हुआ हुआ है। तो एक संवेदनशीलता है भारत की सुरक्षा को लेकर और भारतीय सेना की। जी हाँ सैनिक भाइयों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सरकार ने स्वीकार किया कि ओआरओपी के नाम से 65,000 करोड़ रुपए अभी तक सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए हैं, लेकिन असलियत आप सभी को पता है कि पूरी मलाई अफसर चाट गए और जवान जेसीओज को छिलका भी नहीं मिला, और इसी के लिए 5 महीने से जवान जेसीओ आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। और देश भर के 28 लाख पूर्व सैनिकों को भी इस बात का मलाल है कि ओआरओपी में हुई विसंगतियों के कारण उनके खाते में कुछ नहीं आया। इस बात को रक्षा मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। रक्षा मंत्री जी ने एक पत्र में यह स्वीकार किया कि मामले की गंभीरता को समझते हुए रक्षा मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है। ये पत्र माननीय रक्षा मंत्री ने बागपत के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह को 27 जुलाई को लिखा है। प्रिय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, आपका दिनांक 18 जुलाई 2023 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसके साथ एडवोकेट गजेंद्र सिंह महासचिव जिला पूर्व सैनिक समिति बागपत का आवेदन संलग्न है, जो युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं, दिव्यांग एवं पूर्व सैनिकों की विभिन्न मांगों के संबंध में है। उपर्युक्त मामले की जांच करवाई जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियां पैदा की हैं, क्या वही अधिकारी इस मामले की ठीक से जांच कर पाएंगे? सैनिक भाइयों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या ये जांच सही दिशा में हो सकती है या नहीं? आप इस पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और 20 फरवरी से पूर्व सैनिकों के जंतर मंतर पर चल रहे धरने, जो कि 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, सरकार पर भारी दबाव है और इसी के लिए अभी ये जांच बैठाई जा रही है, लेकिन इस जांच में सभी को संदेह है। इसलिए जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिक और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन सरकार से मांग कर रहा है कि 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बनाई जाए, जो कि इस मामले की तह तक जाए और ओआरओपी में हुई विसंगतियों और 65,000 करोड़ के फंड का सही से डिस्ट्रीब्यूशन न होने के कारण 28 लाख पूर्व सैनिकों का हक उनको नहीं मिला है और इसमें 3% अधिकारी मात्र ही फायदा उठा पा रहे हैं। 97% जवान और जेसीओ खाली हाथ बैठे हैं और पिछले 5 महीनों से ज़्यादा समय से जंतर मंतर पर अपनी जायज हकों की मांगों को उठा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? जय हिंद, जय भारत।